सेकेंड हैंड गाड़ी है, मैंने पूरी वीडियो में ये बोला है, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 1000 किलोमीटर चली हुई है उसके बाद आस्किंग प्राइस जो है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आदित्य, लेके आए कोई नई वीडियो आपके अपने ऑफिशियल कार चैनल पे। तो भाई आज मैं आया हूँ राजधानी कार्स में सेकेंड हैंड गाड़ी का, स्पेशली इस गाड़ी का शूट करने आया हूँ। वो है आपके सामने ब्लैक बीस्ट, जैसे आप बोलते हो महिंद्रा की XUV 300 W6 मॉडल है ये गाड़ी। और भाई सामने से देखो गाड़ी इतना नीट एंड क्लीन है, सेकंड हैंड गाड़ी होने के बाद भी गाड़ी पूरी नीट एंड क्लीन है। कंपनी से जो आती है स्टॉक गाड़ी रखी हुई है राजधानी कार्स की, यहाँ पे आपको पूरी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप क्रोम की फिनिश में ग्रिल देख सकते हो, महिंद्रा का बीच में लोगो दिया हुआ है, और ये काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में जो सिल्वर फिनिश है ये गाड़ी को एक बहुत अट्रैक्टिव लुक देती है। उसके बाद फिर भाई वहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉग लैंप लगा हुआ है। उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आती है, इंडिकेटर जो आते हैं आपके वो हैलोजन में आ जाते हैं, एलईडी सेटअप में नहीं मिलते हैं। DRL ज़रूर आपको एलईडी सेटअप के साथ आ जाते हैं। बम्पर्स में किसी भी टाइप का सेंसर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक देखने को मिल जाता है जो कि कंपनी बोलती है कि हमने ये देखो आप हल्का हल्का इन्हें कार्बन करके रखा है, बट हाँ इसकी अगर मेंटेनेंस नहीं होगा, पॉलिशिंग नहीं होगी तो भाई ये फेड होना शुरू हो जाता है, ये आप चीज़ देख सकते हो। बम्पर पे किसी भी टाइप का स्क्रैच नहीं है, छोटे मोटे माइनर से, बहुत ही माइनर से स्क्रैच भाई वो गाड़ियों में देखने को मिलेंगे आपको। अगर गाड़ी रोड पे चलेगी तो स्क्रैच लगेगा, उसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ख़राब है या कुछ है। एरोडायनेमिक के तौर पे गाड़ी आ जाती है, काफ़ी अच्छा इसका जो जब एयर कटती है, हवा कटती है गाड़ी स्पीड में, तो गाड़ी को मतलब स्टेबल रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद आपके ORBM मिरर्स आ जाते हैं जो कि सिल्वर फिनिश में आते हैं, ठीक है। नीचे आपका ब्लैक का बॉडी कलर आ जाता है। उसके बाद फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। टायर आप देख लो, इस गाड़ी का टायर अभी एकदम नया है, घिसा नहीं है टायर। अभी आप लेने के बाद आराम से गाड़ी चला सकते हो 50-60 हज़ार किलोमीटर, टायर्स को अभी कुछ भी नहीं होगा। अपोलो का टायर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 205/65R16 का टायर साइज़ मिल जाता है स्टील रिम के साथ। आप चाहो तो इसमें अपग्रेडेशन के तौर पर अलॉयज़ और टायर भी अपग्रेड कराना चाहो तो आप करा सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। रेन वाइज़र, डोर वाइज़र जो आप समझ सकते हो ये लगे हुए हैं। यूवी कट ग्लास आते हैं ताकि गाड़ी में धूप डायरेक्टली एंटर ना हो, आपको धूप चुभेगी नहीं। रूफ रेल्स आ जाती है, शार्क फिन एंटेना नहीं आता है, नॉर्मल एंटेना के साथ ही गाड़ी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर फिनिश क्रोम का काम भाई बहुत सारा किया हुआ है। ये जो है ये पूरी आफ्टर मार्केट एसेसरीज जिस ओनर की होगी उसने लगवाई हुई है। तो हेलोजन में टेल लैंप, आपके इंडिकेटर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। रिवर्स लाइट भी आपको हेलोजन में देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे कैमरे की जगह दी हुई है, बट हाँ कैमरा नहीं आता इस मॉडल में, जिससे ऊपर वाली वेरिएंट में इसका कैमरा भी आता था। एक बार मैं गाड़ी अनलॉक करके आपको बूट दिखा देता हूँ गाड़ी का, तो आप ये देख सकते हो बूट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पार्शल ट्रे देखने को मिल जाती है, और यहीं पे आपको स्टेपनी भी देखने को मिल जाती है जैक के साथ, और सेम टायर सेम साइज़ के साथ आता है, कोई भी स्पेस सेवर नहीं है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे बम्पर पे अगर आप देखोगे तो 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। एग्जॉस्ट की टिप आपको वो दिख रही है नीचे देखने में। गाड़ी की आपको एक की देखने को मिल जाती है, फ्लिप की के साथ आती है, जिसमें लॉक अनलॉक और सेंसर का बटन देखने को मिल जाता है, ठीक है। गाड़ी का पहले आप इंटीरियर देखो, डैशबोर्ड देखो, आप इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखो, भाई सारी नीट एंड क्लीन रखा, अनटच है, कोई भी पेंट वाला काम नहीं किया गया। स्टेयरिंग पे रैप आता है, रैप पूरा स्टेयरिंग पे लगा हुआ है, स्टेयरिंग के जितने कंट्रोल्स हैं ये सब वर्किंग है। और उसके बाद मैं आपको एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑन करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। पहले मैं AC बंद कर दूँ, हाँ। उसके बाद आप इधर अगर आओगे थोड़ा सा आगे तो आप इसकी पूरी MID देख सकते हो। ये देखिए आप पूरी इसकी MID देख सकते हैं भाई, काफ़ी कलरफुल इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है इसका। उसके बाद आप देख सकते हो 30,836 किलोमीटर चली हुई है, और ट्रिप टेम्परेचर सारी चीज़ें आपको MID पे शो कर रहा है, एनालॉग काफ़ी अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे AC का कंट्रोल, 6 स्पीड का गेयर बॉक्स देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर यहाँ पे दिया हुआ है, हैंड ब्रेक के साथ आ जाती है, आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है भाई, आर्मरेस्ट भी काफ़ी डिसेंट सा है उसका। और ये आर्मरेस्ट स्लाइडिंग नहीं आता, नॉर्मल आर्मरेस्ट के साथ आती है गाड़ी। और अगर आप सीट की कुशनिंग की बात करो तो भाई ये काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ सीट आ जाती है। ये सीट ऐसी है कि मतलब आप एक बार सीट बेल्ट लगा के अपने आप को एडजस्ट कर लोगे तो फिर आप मतलब जो आपके जर्क आते हैं, पुटोल्स आते हैं, उस पर आप गाड़ी पर स्टेबल रहोगे, आप नहीं हिलोगे, गाड़ी के सस्पेंशन झेल जाते हैं सारी चीज़ें। और फिर ये रूफ आप चेक करते हो, ग्रैब हैंडल के साथ रूफ आता है, भाई रूफ काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इंटीरियर भी अच्छा है। और एक बार बोनेट की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। हम आ
चुके हैं बोनेट की, और बोनेट में भाई आपको ये आइसोलेशन के लिए पूरा देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा। सेकंड हैंड गाड़ी होने के बाद 38,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इंजन देख सकते हो 1197 सीसी का इसमें इंजन देखने को आपको मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, 109 bhp की पावर ये निकाल रही है, 200 Nm का टॉर्क निकाल रही है। फ्रंट व्हील के साथ ये गाड़ी आ जाती है भाई, मैनुअल गियर से 6 गियर आ जाते हैं, BS6 मॉडल है ये टर्बो चार्ज इंजन के साथ, और काफ़ी प्यारा इंजन है आप देख सकते हो। इसमें बैटरी जो है, बैटरी भी शायद अभी तक चेंज नहीं हुई है इस गाड़ी की, बैटरी में भी अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आए, और इंजन जो है काफ़ी नीट। तो भाई अभी हम आ चुके हैं ड्राइव एक्सपीरियंस की ओर, और आप देख सकते हो कि गाड़ी सेकेंड गियर पर, SUV महिंद्रा की 300, और भाई गाड़ी काफ़ी अच्छा इंजन भाई, सेकेंड हैंड गाड़ी है, जो भी लेगा वो सेकेंड ओनर बनेगा इस गाड़ी का, सेकेंड ओनर बनेगा भाई। गाड़ी उस मतलब चलाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, गियर बहुत अच्छे से स्मूथ शिफ्ट हो रहा है। सस्पेंशन अगर मैं बताऊँ तो सस्पेंशन आप देखो, आपको जर्क फील नहीं हो रहा है इस गाड़ी के अंदर, ये काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, अपना हाइड्रोलिक और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आ जाता है इस गाड़ी के अंदर, पावर विंडो के कंट्रोल्स आ जाते हैं, और वॉइस कमांड वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, पूरा स्टीयरिंग कंट्रोल आ जाता है। और गाड़ी में अच्छे से कॉर्निंग करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि गाड़ी मतलब कितनी ज़्यादा कैपेबल है। ये देखो, मैं कॉर्निंग कर रहा हूँ एकदम, ये देख रहे हो गाड़ी एकदम कॉर्निंग कर रहा हूँ मैं, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई आ रहा है लेने मेरी वीडियो देख के तो भाई उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये ब्रेक, गाड़ी बहुत आराम से रुक गई है, ये ब्रेक देख सकते हो आप। तो कोई भी अगर आ रहा है लेने, गाड़ी 30,836 किलोमीटर चली हुई है, बहुत कम चली है महिंद्रा के हिसाब से, क्योंकि भाई महिंद्रा एक ऐसा ब्रांड है जिसकी गाड़ी लाख लाख दो दो लाख किलोमीटर चल जाती है, उसके बाद भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो भाई अब सेकेंड हैंड गाड़ी है, मैंने पूरी वीडियो में ये बोला है, तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई गाड़ी फर्स्ट ओनर है कि नहीं, तो भाई बिल्कुल गाड़ी फर्स्ट ओनर है, जीरो डेप्थ इंश्योरेंस पे गाड़ी है, 31,000 किलोमीटर चली हुई है। उसके बाद आस्किंग प्राइस जो है इसकी 950 है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो सकता है क्योंकि गाड़ी की प्राइस जो कंडीशन है उसके हिसाब से गाड़ी अपने प्राइस को काफ़ी ज़्यादा बीट कर रही है, तो वो चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो इसकी अच्छा ठीक है, जो आपकी शॉप की लोकेशन है वो राजधानी कार्स पिपरानी पेट्रोल पम्प के पास रहेगी, और मैं बाकी पिन कमेंट में आपको दे दूंगा, तो आप आके यहाँ पे देख सकते हो, राजधानी कार की लोकेशन दे दूंगा, भैया का एड्रेस और नाम फ़ोन नंबर दे दूंगा आपको मैं वीडियो के एंडिंग पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन हिट कर देना, और भाई इसी तरह की और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह का प्यार और सपोर्ट बना के रखो, और जल्दी से जल्दी 10,000 करवा दो। आपको मैंने पहले भी बोला 10,000 पे आपके लिए एक सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।